किचन से आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआ है मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ बढ़िया से मजेदार से झींगे। आपने मेरे शॉर्ट्स में तो देखा ही होगा अच्छे खासे बड़े से झींगे आए हैं, तो मैंने सोचा आधे मैंने वो बना दिए। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मैंने कुछ दिन पहले ही रेसिपी बनाई है झींगे का, सिंपल सालन कैसे बनाते मेरे चैनल पर है। और आधे मैं आज बना रही हूँ प्रॉन्स की बिरयानी, बहुत ही मजेदार बनती है, झटपट भी बन जाती है और इजी क्विक तो है लेकिन डिलिशियस भी बहुत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी एकदम फटाफट। ये है 500 ग्राम आधा किलो झींगे हैं, ये बड़ी साइज के हैं, आप चाहें तो छोटी या मीडियम साइज के भी ले सकते हैं। और इसको मैंने अभी छीला है और इसकी रग निकाली है, इसका भी एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, छील कैसे निकालते हैं, रग कैसे निकालते हैं झींगों में से और साफ कैसे करते हैं, फ्रेश है कैसे फ्रेश पहचानते हैं, ये पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। ये धोने के बाद मैंने नितारने के लिए 5 मिनट साइड पर रख दिया था, अब ये बर्तन के अंदर बाउल में मैंने डाल दिया। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार और 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 छोटे चाय के चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वैसे वो आधा आधा था तो मैंने 2 बार डाला, और आधा नींबू का रस, वो भिज्जे ना जाए ये ध्यान रखिएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे 1-2 घंटे के लिए ढक कर फ्रिज में रखिएगा, साइड पर रख दीजिए, फ्रिज में रखिएगा, बाहर मत रखिएगा झींगों को 1-2 घंटे के लिए, नहीं तो खराब हो जाएंगे। चलिए अब मैं इसे ढक कर साइड पर रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल 1/2 घंटे पहले 2-3 पानी से धो लिया और साफ पानी में भिगा के 1/2 घंटे पहले रख दिया था। अब बराबर में देखेंगे तो थोड़ी सी तैयारियाँ मैंने कर ली, जैसे प्याज काट लिया, टमाटर काट लिए, हरे धनियों को साफ कर लिया और फ्रेशली अभी ही मैंने 3 प्याज का बिरिस्ता बनाया, वैसे उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको वहाँ मिल जाएगी। अब 1/2 घंटा हो चुका है तो सबसे पहले हम चावलों को बॉइल कर लेते हैं। एक बड़े से बर्तन के अंदर 1 लीटर पानी डालिए, 2-3 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची डाल दीजिए, इसके साथ साथ 8-10 काली मिरी, 3-4 लौंग, 2-3 हरी इलायची भी डाल दीजिए, 1 डंडी दालचीनी की और 1/2 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए। अच्छा आपके पास शाह जीरा हो तो आप शाह जीरा भी डाल सकते हैं। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए, नमक डाल दीजिए दरमियान में, मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ चावलों के भाग का, आप अपने अंदाजे से डालिए। वैसे डालना इस कदर है कि जो पानी है ना वो नमकीन होना चाहिए, सॉल्टी होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक डालिएगा। अच्छा इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोथमीर बारीक काट कर डाल देती हूँ और 1/2 नींबू भी डाल दीजिए, 3-4 टेबल स्पून तेल भी डाल दीजिए। आप चाहें तो मेरी तरह ढक्कन से इसे ढक सकते हैं और उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है तो जो चावल आपने साइड पर भिगा के रखे हैं नितार कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारे डाल दीजिए, बार बार इसे चलाते रहिए, 4-5 मिनट में तो आराम से हो जाएंगे क्योंकि हमने भिगा के रखे थे, ऑफकोर्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी भी। और आप इसे बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहिए और जब आप 3-4 मिनट में देखेंगे, हाथ में लेके आप देखिएगा कि बीच में से आप तोड़ रहे हैं तो टूट रहे हैं ना, अगर सॉगी हो रहे हो उतने टाइम तक आपको रुकना भी नहीं है, बस ये देखिए टूट रहे हैं, बस इसे नितार कर साइड पर रख दीजिए। और अब हम बना लेते हैं हमारी बढ़िया सी मज़ेदार सी प्रॉन्स की ग्रेवी। एक कढ़ाई को फास्ट आँच पर चालू कर दीजिए और उसके अंदर यहाँ पर मैंने ये जो बिरिस्ता बनाया है वही तेल ले रही हूँ, ज़्यादा ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम भी ले सकते हैं क्योंकि बिरयानी है तो मैंने ज़्यादा लिया है। अब यहाँ पर 1 डंडी दालचीनी की, 2 तेज पत्ता, 6-8 काली मिरी, 1 बड़ी इलायची, 2 फूल बादियान और 3-4 लौंग डाल देती हूँ और 1/2 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल देती हूँ। ये सारी चीज़ों को तड़तड़ा जाने दीजिए, जब सारी चीज़ें गरम मसाले तड़तड़ा जाएं तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई स्लाइस करी हुई प्याज डाल दें और प्याज को फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक।
जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए ये देखिए इस कदर, तो इसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये डालकर मिक्स कीजिए। और मैं 1/4 कप पानी डाल देती हूँ कि प्याज ज़्यादा लाल ना हो जाए ना। डालने के बाद क्विकली मिक्स कीजिए और इसे भूनिए, तब तक भूनिए जब तक अदरक लहसुन के कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए, तब तक। जब भून जाए तो डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चका चम्मच हल्दी, और यहाँ पर साइड पर मैंने 3 टमाटर मीडियम साइज के टमाटर थे उन्हें मैंने छील निकाल लिया और बारीक बारीक काट लिया। इसे भी मिक्स कर लीजिए और इसे चाहे तो मीडियम आंच पर या चाहे तो फास्ट आंच पर, मैं फास्ट आंच रखी हूँ, उसे भून लीजिए। ये टमाटरों को मैं 3 से 4 मिनट तक फास्ट आंच पर ये टमाटरों को भून रही हूँ, सो दैट ये ना ये इनका जूस भी कम हो जाए और थोड़े से नम होना शुरू हो जाए। चलिए 3-4 मिनट हो चुके हैं, बीच बीच में मैंने 1 से 2 बार चलाया था टमाटरों को। अच्छा अब आप देख रहे हैं तो मैं चम्मच की मदद से पीछे से इसे मैश कर रही हूँ, तो कितने आसानी से मैश हो रहे हैं और इसका जूस भी ऑलमोस्ट सूख चुका है। तो यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ 1.5 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। मैंने चूल्हा स्लो किया क्योंकि मैं मसाले डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अच्छा ये सारे आप देख रहे हैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मेरी ये जो चम्मच है ये आधे छोटे चाय चम्मच वाली है। अब डाल दीजिए 1 से 2 छोटे चम्मच बिरयानी मसाला, मैं 2 डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 भी डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए तो आप 1 डालिएगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा मसाला चाहिए होता तो मैं 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ। मिक्स कर लीजिए, मैं हल्का सा पानी भी डाल देती हूँ क्योंकि मसाले है ना जल ना जाए ना, हल्का सा पानी डालकर इसे मीडियम आँच कर दीजिए और इसे आधे 1 मिनट के लिए रोस्ट होने दीजिए, भूनने दीजिए। जब आधा 1 मिनट हो जाता है चूल्हा फास्ट आंच कर दीजिए और इसमें आधा कप पानी डालकर इसे एक बार चला लीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो ढक कर 4-5 मिनट के लिए इसे भूनने के लिए रख दीजिए या तब तक भूनने दीजिए जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। चलिए 4-5 मिनट हो चुकी है, अच्छे से भुना गया है, तेल ऊपर छूट चुका है, तो यहाँ मैं 150 ग्राम्स फेटी हुई दही डाल देती हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पे और खट्टी भी नहीं है। मिक्स कर लीजिए, चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे बार बार चलाते रहिए और 1 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर भूनिए। जब 1 मिनट हो जाए और इस तरीके से हल्की भून जाए दही, नमक चख लीजिए, अगर नमक कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर से मेरी तरह डाल दीजिए। जब 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर 4 मिनट तक इसे फिर से भूनने रहने दीजिए। तब तक ये आप देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है, हमारे ये जो मैरिनेटेड प्रॉन्स है क्या बढ़िया लग रहे हैं ना। लेकिन चलिए दही को भून के 4 मिनट हो चुकी है और 1 मिनट मैंने मीडियम आंच पर दही के साथ भूना था सारे मसाले, तो अब मैं इसके अंदर ये जो झींगे हैं हमने मसाले रख के लगा के रखे ये सारे डाल देती हूँ। सबसे पहले तो मैं चूल्हा मीडियम पे कर देती हूँ, आप चाहे तो फास्ट पे भी कर सकते हैं। और तेल देख सकते हैं आप कितना ऊपर छूट चुका है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये सारे झींगे डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। तकरीबन फास्ट आंच पर या मीडियम आंच पर आप फ्राई कर रहे हैं, 3-4 मिनट तक ही फ्राई करना है। जो बचा हुआ मसाला है मैरिनेशन का वो सारा डाल दीजिए, कुछ भी वेस्ट मत कीजिएगा। 3 मिनट तक इसे पकने दीजिए, बार बार चलाते रहिएगा। बीच में ऐसा लगे कि नमक कम है तो आप ऊपर से एडजस्ट कर लीजिए। अब मैंने हरी मिर्चियाँ नहीं डाली, आपने हरी मिर्चियाँ डालनी है तो आप हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर डाल सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आप गरम मसाला कम डालिएगा। और अगर आपको ये जो ग्रेवी है कम चाहिए तो धनिया 3 छोटे चाय के चम्मच के बजाय 2 छोटे चाय के चम्मच डालिएगा। अच्छा आप जब 2 मिनट के बाद देखेंगे पानी खुद ही निकल रहा है और खुद ब खुद 3 मिनट के अंदर सूखने भी लगेगा, तो तेल ऊपर आने लगेगा, बस उतने तक मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। आधे नींबू का रस डाल दीजिए, कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार आप कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा लग रही है तो आप फास्ट आंच करके उसे सुखा लीजिए। वैसे 3 मिनट तक मैं इसके लिए बोल रही हूँ आपको, झींगे ज़्यादा मत पकाइए नहीं तो चूई और रबड़े हो जाएंगे। चलिए मैं तो 3 मिनट में बंद कर रही हूँ, मुझे परफेक्ट लग रही ग्रेवी। अच्छा तो ये ग्रेवी बन चुकी है, ठीक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मुझे इतनी बराबर लग रही है। आपको ज़्यादा गाढ़ी चाहिए आप उसे सुखा लीजिए फास्ट आंच पर, 3 मिनट के बजाय 3.5 मिनट रख दीजिए, तो उस हिसाब से वो फास्ट आंच रखेंगे, जल्दी पानी भी सूख जाएगा और झींगे तो 3-3.5 मिनट में आराम से पक जाएंगे, क्योंकि अभी हम इसमें डालेंगे तब भी तो झींगे पकेंगे ना। तो चलिए अब मैं इसे हटा देती हूँ और असेंबलिंग करते हैं।
मजेदार सा स्टेप आया है जिसमें असेंबलिंग करेंगे और बढ़िया सी झटपट बिरयानी खाएंगे, झींगे की, बड़े झींगे की। अगर आपकी झींगे की ग्रेवी वाली जो पतीली है वो डीप है और आपने वैसे ही डायरेक्टली पतीली में बनाया तो उसके ऊपर ही चावल डाल दें, लेकिन मैं सेपरेट ले रही हूँ क्योंकि मेरी इसमें जगह ही नहीं, जैसे आप देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ मैं सेपरेटली पहले, सबसे पहले तो नीचे ये जो ग्रेवी है मजेदार सी प्रॉन्स की बनी हुई पूरी डाल देती हूँ और फैला देती हूँ। आप चाहें तो नीचे सबसे पहले 3-4 चम्मच वो भी डाल सकते हैं चावलों के, मैंने नहीं डाला है इस बार। थोड़ी सी कोथमीर डाल दीजिए, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और मैंने ये बिरिस्ता फ्रेशली बनाया है। बिरिस्ता डालते हैं तो बहुत ही मजा आता है टेस्ट में, तो यहाँ नीचे खूब सारा बिरिस्ता डाला और बाकी के बचे हुए जो चावल है ये सारे डाल दीजिए। अच्छा बाकी ये क्या, मैंने इस बार तो नीचे डाले ही नहीं, नहीं तो हमेशा मैं नीचे डालती हूँ। चलिए ये सारे चावल डाल दीजिए, चावलों को फैला दीजिए। मैंने साइड पर 1/4 से आधे कप के दरमियान में दूध के अंदर थोड़ा सा जाफरान डाल के रखा था कलर के लिए, तो थोड़ा सा आप ये जो दूध है इस तरीके से ऑल ओवर ड्रिजल कर दीजिए। इससे क्या होंगे, हमारे चावल सॉफ्ट और अच्छे खिले खिले बनेंगे। आप चाहें जाफरान ना डालें और सिर्फ दूध डाल दें, जरूर डालिएगा। थोड़ा सा फूड कलर में डाल रही हूँ ऑल ओवर, और थोड़ा सा बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, और इसके ऊपर फिर अच्छे से बिरिस्ता डाल दीजिए। चूल्हा मैं फास्ट आंच पर चालू कर देती हूँ क्योंकि 1 मिनट तक मैं फास्ट आंच पर उसे रखने वाली हूँ, मैं वहीं खड़ी हूँ। और चारों ओर 3-4 टेबलस्पून असली घी डाल दीजिए, ढक दीजिए इसको ढक्कन से, और आप चाहें तो ऊपर वजन डाल दें, मैं डाल रही हूँ, और आप चाहें तो नीचे भी डाल सकते हैं गरम तवा। अच्छा यहाँ मैं ढक कर अब चूल्हा कर देती हूँ स्लो आंच और इस पे वजन रख देती हूँ, तकरीबन समझिए ना 15 से 16 मिनट तक ही पकाऊंगी क्योंकि मेरी पतीली, मुझे पता है पतली है तो जल्दी पानी सूख जाता है, आप अपने हिसाब से 15 से 20 मिनट तक रख सकते हैं। चलिए 15 मिनट इनफैक्ट 16 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे चेक कर लेती हूँ, आप भी चेक कर लीजिए। सबसे पहले आप ये जो बड़ा चम्मच है ना इसे पीछे से उल्टा इस तरीके से डालेंगे और सिर्फ आपको नीचे ऐसा लगेगा कि हल्का सा तेल दिख रहा है, इसका मतलब बिरयानी हो चुकी है बढ़िया सी। अगर आपको लगे कि हल्का पानी पानी टाइप लग रहा है आपके उसके ऊपर आए पानी जैसा, तो आप 5-6 मिनट और रख दीजिएगा। मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दूंगी, 10 मिनट के बाद मैं इसे सर्व करूंगी। हमेशा मैं सी फूड के साथ ना ये नारियल की चटनी बना लेती हूँ, बहुत ही मजेदार बनती है। सी फूड की रेसिपीज जैसे झींगे और प्रॉन्स और क्या बोलते हैं मच्छी, उसकी पुलाव के साथ, बिरयानीज के साथ, उनके सिंपल ग्रेवीज के साथ मैं हमेशा ये सर्व करती हूँ। अगर आप मेरे पिछले रेसिपीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा और पूरी रेसिपी आपने वहां देखी होगी। ये वाला व्लॉग मतलब रेसिपी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। बट आपको, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर और आपको इसकी लिंक चाहिए, रेसिपी चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। बहुत ही मजेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, बढ़िया सी जाती है सी फूड्स के साथ, झींगों के साथ, मच्छी के साथ। तो ये बनाएं और मजेदार से खाएं। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, उसके 10 मिनट के बाद अब मैं खोल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चलिए, आह क्या खुशबू आ रही है, आ रही है आपको हर पर खुशबू, मजेदार सी आ रही है। चलिए तो मैं अब इसे गर्मा गर्म निकालती हूँ सर्विंग प्लेट के अंदर। सबसे पहले तो ये देखिए माशाल्लाह क्या बढ़िया सी लग रही है हमारी प्रॉन्स की बिरयानी, झींगे की बिरयानी, बड़े झींगे की बिरयानी। इनफैक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैं प्लेट में निकाल कर सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने पता है क्या करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना है इसके लिंक्स, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को भी एनकरेज कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए हमारा चैनल। और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।